हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम आप सभी को क्लास सेवन्थ की बुक गुड विद ग्रामर का चैप्टर नंबर 3, चैप्टर्स नेम नाउन के इस लेसन के सभी एक्सरसाइज बुक में फिल करवाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। सबसे पहले हम लोग लेट्स बिगिन का एक्सरसाइज करेंगे। रीड द स्टोरी एंड पिक आउट द नाउन्स। कहानी को पढ़ो और नाउन को छांटिए। सॉर्ट द नाउन्स इनटू देयर टाइप्स एंड फिल द टेबल्स। यहाँ पर कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन और आफ्टर नाउन का कॉलम दिया गया है और यहाँ पे एक स्टोरी दी गई। इस स्टोरी में कॉमन नाउन को इस बॉक्स में लिखना है, प्रॉपर को इसमें और आफ्टर को इसमें लिखना है। तो चलिए देखते हैं कॉमन नाउन कौन कौन से हैं। चिल्ड्रेन, एक वर्ड यहाँ पर चिल्ड्रेन है, एक कॉमन नाउन है। सेकंड यहाँ पर स्टूडेंट है, ये भी कॉमन नाउन है। तीसरा यहाँ पे गर्ल है, ये भी एक कॉमन नाउन है। और चौथा यहाँ पे बुल है, कॉमन नाउन। रेजिडेंट, कॉमन नाउन। बॉय, कॉमन नाउन। और एक वर्ड यहाँ पे कैनल है जिसका अर्थ होता है नहर। जिनको भी हमने अंडरलाइन किया है, ये सभी कॉमन नाउन है। इनको हम लोग इस बॉक्स में लिखेंगे। यहाँ पे इसको हम हिंट कर दे रहे हैं, सी 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 से हमने इंडिकेट कर दिया कि सभी नाउन हमारे कॉमन नाउन हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन में सबसे पहला वर्ड यहाँ पे है सैनिस अब्दुल्ला। यह एक विशेष व्यक्ति का नाम है, यह एक प्रॉपर नाउन है। इसको हम यहाँ पे पी लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पे है नेशनल ब्रेवरी अवार्ड, यह भी हमारा एक प्रॉपर नाउन है, पी लिख रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे है कदामेरी मैपिला यूपी स्कूल, ये पूरा हमारा प्रॉपर नाउन है, इसके लिए पी लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर है एक नाम एंजल मारिया जॉन, इसको भी पी लिखेंगे, पी फॉर प्रॉपर नाउन। और यहाँ पे देवमाथा स्कूल, देवमाथा स्कूल, ये हमारा प्रॉपर नाउन। और लास्ट में यहाँ पे त्रिशूर, ये भी हमारा प्रॉपर नाउन है, पी फॉर प्रॉपर। अब नंबर है हमारा आफ्टर नाउन का, इसमें एक वर्ड यहाँ पर है करेज, ये करेज है, साहस, इसको ए हिंट कर रहे हैं, ए फॉर आफ्टर नाउन। उसके बाद अगला वर्ड इसमें है रेस्क्यू, ये भी हमारा आफ्टर नाउन है, ए लिख दिया। इन सभी को आप लोग इस टेबल के अकॉर्डिंग इसमें फिल कर लेंगे और यह चैप्टर हमारा लेट्स बिगिन का कंप्लीट हो जाएगा। अब इस चैप्टर का फर्स्ट एक्सरसाइज है, करा चेंज द वर्ब्स एंड एडजेक्टिव इनटू आफ्टर नाउन। यहाँ पे क्रिया और विशेषण से हमें भाववाचक संज्ञा बनाना है। ये सभी हमारे वर्ब हैं और इधर के सभी एडजेक्टिव हैं और हम सभी को आफ्टर नाउन इसमें बनाना है। तो अराइव मीन्स आना होता है, इसका आफ्टर नाउन हो जाएगा अराइवल, ए डबल आर आई वी ए एल, अराइवल। बिहेव से बिहेवियर हो जाएगा, बिहेवियर।
कांसियल दिया है, कांसियल मेंट हो जाएगा, इसमें हम मेंट जोड़ देंगे, CONCALMENT कांसियलमेंट। एक्सपेक्ट दिया, एक्सपेक्टेशन हो जाएगा इसका, एक्सपेक्टेशन। अगला सेंट है यहाँ पे ग्रो, ग्रो का ग्रोथ हो जाएगा, नो से नॉलेज हो जाएगा, लाफ से लाफ्टर, यूनाइट से यूनिटी हो जाएगा यहाँ पर, इसको हम लोग लिखेंगे यूनिटी। नेक्स्ट यहाँ पे मूव है तो मूवमेंट लिखेंगे इसको, मूवमेंट। और लास्ट यहाँ पे फ्री से फ्रीडम हो जाएगा, इधर का टेबल कंप्लीट हो गया, वर्ब से आफ्टर नाउन। अब इस साइड का है डार्क, तो डार्क में हम नेस जोड़ेंगे, डार्कनेस हो जाएगा, डार्कनेस। वाई से विजडम हो जाएगा, विजडम के बाद यहाँ पर ब्यूटीफुल ब्यूटी हो जाएगा, ग्रेट से ग्रेटनेस, ऑनेस्ट ऑनेस्टी, ऑनेस्टी के बाद यहाँ पे हंगरी दिया है, हंगरी से यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हंगर, लॉयल से लॉयल्टी, रेस्पॉन्सिबिल रेस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगा, आर ई एस पी ओ एन एस आई बी एल आई टी वाई, रेस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पर बी में भी हम बी के बाद आई ऐड करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी। वेन का वेनिस वैनिटी होगा, सॉरी यहाँ पे वैनिटी लिखेंगे हम लोग। लास्ट है यंग, तो यंग का यूथ। और यह टेबल हमारा कंप्लीट हो गया। अब सेकंड है कह रहा, नाउ मेक सेंटेंस ऑफ योर ओन विद द एक्टेड नाउन रिटन एबव। तो सेकेंड एक्सरसाइज को आप लोग स्वयं करेंगे रफ कॉपी में या कहीं पर भी। कह रहा है कि यहाँ पर जो भी आफ्टर नाउन हम लोगों ने बनाया है, इनकी सहायता से हमें एक सेंटेंस बनाना है खुद से, इसको आप लोग करेंगे। अब हम तीसरी एक्सरसाइज पढ़ेंगे, रफ फिल इन ईच ब्लैंक विद द करेक्ट कलेक्टिव नाउन। यहाँ पे हमें कलेक्टिव नाउन को फिल करना है, तो पहले में हम लोग फ्रीड करेंगे एफ एल डबल ई टी फ्लीट, सेकंड में पैक पी ए सी के पैक, तीसरे में फ्लॉक एफ एल ओ सी के फ्लॉक, चौथे में हम लोग फिर करेंगे टीम। ये सभी कलेक्टिव नाउन फिल किए जा रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हो जाएगा आर्मी, और लास्ट हम लोग यहाँ लिखेंगे लॉट एल ओ टी लॉट। अगला एक्सरसाइज है पुट द वर्ड्स इन द करेक्ट ग्रुप्स काउंटेबल आर अनकाउंटेबल। हमें यहाँ पर देखना है कौन सा काउंटेबल है और कौन सा अनकाउंटेबल। तो यहाँ पे पहला टी है, ये अनकाउंटेबल है, इसके ऊपर हम यू लिख रहे हैं, मनी भी हमारा अनकाउंटेबल है, टेबल हमारा काउंटेबल है, सी लिखेंगे, ब्रेड अनकाउंटेबल है, यू लिखेंगे, चेयर काउंटेबल, मिल्क अनकाउंटेबल, शुगर अनकाउंटेबल, ऑरेंज काउंटेबल, जूस अनकाउंटेबल,
क्वेश्चंस काउंटेबल, ग्लासेस काउंटेबल, ट्रीज काउंटेबल। काउंटेबल के लिए सी लिखा जा रहा है और अनकाउंटेबल के लिए यू लिखा जा रहा है। उसके बाद सुनो है अनकाउंटेबल यू, रोड काउंटेबल है, राइस अनकाउंटेबल, न्यूज अनकाउंटेबल, जॉब काउंटेबल, ट्रिप काउंटेबल, इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल, होमवर्क हमारा अनकाउंटेबल, लगेज अनकाउंटेबल, एडवाइज अनकाउंटेबल, कप काउंटेबल, रिसर्च हमारा काउंटेबल, प्रोग्रेस अनकाउंटेबल, हेल्प अनकाउंटेबल, इक्विपमेंट अनकाउंटेबल, पीस अनकाउंटेबल, सिटी काउंटेबल। पांचवा एक्सरसाइज है पुट द वर्ड इन द करेक्ट ग्रुप्स, मस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूट्रल आर कॉमन जेंडर। यहाँ पे हमें जेंडर के अकॉर्डिंग इसको पूरा करना है। चलिए शुरुआत करते हैं मास्टर। मास्टर हमारा मस्कुलाइन जेंडर है, एम लिखेंगे। अगला वर्ड है बिडोर। बिडोर भी हमारा मस्कुलाइन जेंडर है, पुल्लिंग है। हेडमिस्ट्रेस यह हमारा फेमिनाइन जेंडर है, टीचर कॉमन में आएगा, सी लिखेंगे, टीचर कॉमन है। लर्नर ए भी कॉमन है। हीरो पुलिंग, प्रिंसेस स्त्रीलिंग, बेबी कॉमन, टॉम कैट मस्कुलिन जेंडर है। बुक हमारा न्यूट्रल जेंडर, यन लिखेंगे। बिल्ली गोट ये भी हमारा यम है। सन यम पुलिंग, डॉटर फेमिनिन। अनाउंसर कॉमन है। हॉस्टेस फेमिनिन जेंडर है, आंट फेमिनिन या नेफ्यू भतीजा पुलिंग है। मेयर मीन्स घोड़ी होता है, फेमिनिन जेंडर है। हॉर्स मस्कुलिन जेंडर है। और रेडियो हमारा न्यूट्रल जेंडर है। दोस्तों हमने यहाँ पर मस्कुलिन जेंडर के लिए यम, फेमिनाइन जेंडर के लिए यफ, न्यूट्रल जेंडर के लिए यन और कॉमन जेंडर के लिए सी हिंट किया है। इसके अकॉर्डिंग आप लोग इसको पूरा करेंगे। अगला एक्सरसाइज है आइडेंटिफाई द केज ऑफ अंडरलाइन नाउन फ्रेजेज। यहाँ पे हमें जिसको भी अंडरलाइन किया गया है हमें बताना है कि किस केज में है। नॉमिनेटिव के लिए हम लोग यन लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव के लिए ओ लिखेंगे, वोकेटिव केज के लिए वी लिखेंगे, डेटिव केज के लिए डी लिखेंगे और पॉसेसिव के लिए पी लिखेंगे। यहाँ पे हरीश होम लुक सो लवली, यहाँ पे जो हरीज अपोस्ट्रोफीस लगा है ये पॉसेसिव केज है, यहाँ पर हम हिंट करेंगे पी से। सेकेंड द टीचर है, तो टीचर के लिए हम यहाँ पर नॉमिनेटिव केज, इसके लिए हम एन लिखेंगे। और अगला वर्ड इसमें है होमवर्क और अस, इसमें दो है तो दोनों ही ऑब्जेक्ट हैं हमारे, ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वो लिखेंगे इसके लिए। प्रोफेसर शंकु यहाँ पर यन लिखेंगे नॉमिनेटिव के। टार द स्टूडेंट फिजिक्स, यहाँ पर भी दोनों वर्ड हमारे ऑब्जेक्ट हैं, फिजिक्स और स्टूडेंट, वो लिखेंगे। उसके बाद डी में माई परफॉर्मेंस इन द एग्जामिनेशन नॉमिनेटिव केज है, कर्ता कारक है, यहाँ पर यन लिखेंगे।
उसके बाद यहाँ पर है, अगला वर्ड यहाँ पर है लूसी। तो लूसी के लिए यहाँ पर नॉमिनेटिव केस गोविंद। द टीम डिपेंड्स ऑन यू टूडे, ये हमारा है वोकेटिव केस। उसके बाद यहाँ पे हम अस को डेटिव केस भी ले सकते हैं। ओ के स्थान पे हम यहाँ पर इसको, ऑब्जेक्ट हैं दोनों ही, अस भी और होमवर्क इसके लिए, लेकिन हम डेटिव केस यहाँ पर दिया है, तो डेटिव केस इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर डे भी लिख सकते हैं, ऑब्लिक करके डी ओ या डी। और इसी तरीके से स्टूडेंट भी हमारा ओ ऑब्लिक डी, डी फॉर डेटिव केस। अगला एक्सरसाइज है, यहाँ पे हमें इरर और करेक्शन करना है। तो पहली लाइन में इरर यहाँ पे फ्रेंड्स है, स्पेलिंग गलत है, इसको हम फ्रेंड्स लिखेंगे, ई को हटा करके एफ आर आई ई एन डी एस फ्रेंड्स हो जाएगा। उसके बाद डिस्कीज है, यहाँ पे डिस्कीज दिया है, इसका डेस्क हो जाएगा प्लूरल डी ई एस के एस। नेक्स्ट यहाँ पर टिफिन दिया है, तो टिफिन का हम लोग लिखेंगे टिफिन बॉक्सेस। यहाँ पे बॉक्स की स्पेलिंग गलत है, इसको लिखेंगे टिफिन बॉक्सेस, टी आई डबल एफ आई एन टिफिन बॉक्सेस, डी ओ एक्स ई एक्स बॉक्सेस हो जाएगा। उसके बाद चौथी लाइन में वन डेज लिखा है, अब यहाँ पे वन है सिंगुलर और डेज दिया है, इसलिए यहाँ पे वन डेज नहीं वन डे होगा, यहाँ हम लिखेंगे वन डे, डेज नहीं होगा। उसके बाद यहाँ दिया हिज फ्रेंड्स हरीश, तो यहाँ पे हरीश सिंगुलर है, यहाँ पे फ्रेंड्स दिया है प्लूरल में, तो यहाँ पे हम सिंगुलर लिखेंगे फ्रेंड या आर आई ई एन डी फ्रेंड। इस तरीके से सात हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें टिक करना है, तो ए का फर्स्ट टिक करेंगे, बी का सेकंड, सी का सेकंड, डी का थर्ड, ई का थर्ड, एफ का भी थर्ड ही टिक करेंगे, जी का फर्स्ट, एस का फर्स्ट और आई का थर्ड। यह चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। धन्यवाद।